गुड मॉर्निंग आप सभी कोई को आप सभी कोई का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कमोडिटी ट्रेंड एनालिसिस क्रूड ऑयल का लेवल देखेंगे 26 अगस्त के लिए, यस्टरडे के क्लोजिंग के बेसिस पर देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक डिस्क्लेमर है कि आप जो भी करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से करें, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। यस्टरडे की क्लोजिंग हुई है 3226 पर, उसके बेसिस पर देखते हैं वोलेटिलिटी के अनुसार क्या लेवल आती है। लेवल यदि हमें मिलती है 3230 के नियर अबाउट, तो यहाँ हम बाई के लिए देखेंगे। हमारी पहली रेजिस्टेंस लेवल होगी 3245 के लिए। यहाँ मार्केट सस्टेन करती है और अपसाइड जाती है तो नेक्स्ट लेवल होगी 3269 के लिए। मार्केट डाउनसाइड जाती है और लेवल हमें मिलती है 3220 के अप्रॉक्स, तो वहाँ हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। हमारी पहली सपोर्ट लेवल होगी 3206 के लिए। यहाँ मार्केट सस्टेन करती है और डाउनसाइड जाती है तो नेक्स्ट लेवल होगी हमारी 3185 के लिए। तो ये थी वोलेटिलिटी के अनुसार। अब हम देख लेते हैं ऑर्बिट एनालिसिस के अनुसार क्या लेवल आती है। लेवल यदि हमें मिलती है 3235 के नियर अबाउट, तो यहाँ पर हम बाय के लिए देखेंगे। हमारी पहली रेजिस्टेंस लेवल होगी 3254 के लिए। यहाँ मार्केट सस्टेन करती है और अपसाइड जाती है तो नेक्स्ट लेवल होगी 3273 के लिए। मार्केट डाउनसाइड जाती है और लेवल हमें मिलती है 3217 के नियर अबाउट, तो यहाँ हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। हमारी पहली सपोर्ट लेवल होगी 3198 के लिए। यहाँ मार्केट सस्टेन करती है और डाउनसाइड जाती है तो नेक्स्ट लेवल होगी 3179 के लिए। तो ये थी वोलेटिलिटी के अनुसार और ऑर्बिट एनालिसिस के अनुसार क्रूड ऑयल की लेवल। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें ज्यादा और प्रेस करें बेल बटन ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके थैंक्स।